सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी A3X के फ़ोन में आपका ऐप का कलर चेंज हो चुके हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। शुरू से लेकर एंड तक हमारे वीडियो में बना रही है। यहाँ पर गाइस अपने फ़ोन की जो सेटिंग होती है देख सकते हैं, पहले हमारे फिलहाल सब ऐप की कलर चेंज है। इसको सही करने के लिए फ़ोन की जो सेटिंग होती है गाइस इसको ओपन कर लेना है। जब सेटिंग को ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। ऊपर की तरफ जब स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे देखने मिलेगा डिस्प्ले का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है डिस्प्ले ऑल ऑप्शन कलर में, देखें इस पर क्लिक करना, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने मिलता है। इस पर क्लिक करके स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ, नीचे लेफ्ट की तरफ पहला वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करके बैक हो जाना है, दो बार बैक होना है। इसके बाद सेटिंग में आप आ जाओगे, सेटिंग में देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन का ऑप्शन, होम स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करते हो तो नीचे देखने को मिलता है, यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जैसे गाइस क्लिक करते हो आपका जो ऐप का कलर था यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा, नए फ़ोन की तरह आपका कलर जो था ऐसा हो जाएगा।